हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतम प्यारे और आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी। फैमिली आईडी में इनकम अपडेट क्यों नहीं हो पा रही है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जब से इनकम का ऑप्शन दोबारा आया है फैमिली आईडी में करेक्शन मॉड्यूल के अंदर, जब से इनकम से संबंधित बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही हैं। कुछ कमेंट आती हैं कि सर इनकम का ऑप्शन तो आया ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, उनके लिए मैं बता दूं, इनकम का ऑप्शन तो आ चुका है, लेकिन अगर आपने पहले ऑप्शन आया था जब अप्लाई कर दिया था तो अब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है और वह ऑलरेडी ही शो होगा। तो अब आप वेट कर लीजिए, जब तक वह अपडेट नहीं होता है तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हो सकता है जो आपने पहले अपडेट किया था वो ही आपकी अपडेट हो जाए। अगर अपडेट नहीं होती है तो वह कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा इस ऑप्शन के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यही जो भाई कमेंट करते हैं कि सर इनकम अपडेट नहीं हो पा रही है, फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी अप्लाइड शो करता होगा, क्योंकि जो आपने ऑलरेडी ही उस ऑप्शन को यूज कर लिया है। तो अब आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, जब तक आपकी अपडेट नहीं होती है आप यहीं से अपडेट कर पाएंगे, लेकिन वो रिक्वेस्ट जो आपने डाल रखी है वो कंप्लीट होते ही आपकी जो इनकम अपडेट हो जाएगी। अगर अपडेट नहीं होती है तो जो आपने रिक्वेस्ट डाल रखी है वो कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, इसलिए आप दोबारा अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं जिसने पहले अप्लाई कर दिया था। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको इनकम से संबंधित कोई भी समस्या है या परिवार पहचान पत्र से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा और आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय हरियाणा।